बैक टू आसो प्रेजेंट, मैं हूँ आपके साथ एजाज और आज मैं आपको लेकर आया हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे और ये अभी नया बना है इसलिए मैं आपको दिखाने लाया हूँ। और इस जगह का नाम है शारजा में है, ये एक्चुअली शारजा पर मकान। और इस जगह पे आपको आर्टिफिशियल जो है वाटरफॉल मिलेगा और सी साइड एरिया भी मिलेगा और सिटिंग एरिया भी है मतलब पिकनिक वगैरह करने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और यहाँ पे थिएटर भी अभी नया बना भी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था थिएटर के बारे में, ये मेरे बैक साइड वाला जो है ये थिएटर है, तो इसको मैं सही से आपको दिखाता हूँ आगे बढ़। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ, ये एमपी थिएटर 1,90,000 स्क्वायर फीट पे बनाया गया है और इसमें 3,600 पीपल आराम से आ सकते हैं। इफ़ यू वॉरिड अबाउट हॉट वेदर, डोंट वॉरी। इस थिएटर की खास बात यह है कि यहाँ ऐसा सिस्टम लगाया गया है जो शदीद गर्मी में भी इस थिएटर को कूल रखेगा, है ना मजे की बात। तो चले आगे और एंजॉय करते हैं। वेरी नाइस थिएटर। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं जो ये पर्दे वगैरह लगा रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे एक प्रोग्राम होने वाला बहुत ही बड़ा, मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में है, तो हो सकता है मैं आपको ये प्रोग्राम दिखाऊं। यहाँ पे सिंगर्स वगैरह आने वाले हैं तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, ये था थिएटर। एक्चुअली मैं अंदर से भी नहीं दिखा सकता, अभी थोड़ा सा काम चल रहा है मैंने आपको। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं वाटरफॉल की तरफ और वाटरफॉल देखते हैं। गाइस, एमपी थिएटर के साथ ही वाटरफॉल बनाया गया है जो कमाल का बनाया है। इस वाटरफॉल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, 43 मीटर की हाइट पर इस वाकई है ये और 45 मीटर लॉन्ग है और 11 मीटर चौड़ा है। आप देख रहे होंगे कमाल का है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये है आर्टिफिशियल वाटरफॉल, ये मेरे बैक साइड पे आप देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हो वाटरफॉल, वाओ, आई लाइक इट। और आपको ये वाटरफॉल के ऊपर कुछ विंडोज नज़र आ रहे होंगे, एक्चुअली ये कैफ की तरह बना हुआ है जहां आप जाकर वाटर को ऊपर से नीचे गिरता देख सकते हैं। और यहां पर कुछ रेस्टोरेंट्स और कैफे भी हैं जो वाटरफॉल के ऊपर बने हुए हैं और 80 से ज़्यादा पीपल आ सकते हैं इसके ऊपर। और आपको इस ब्यूटीफुल व्यूज़ का एंजॉय करना है तो आउटडोर डाइन ऑर्डर करें और ब्यूटीफुल व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस ऑसम प्लेस की खूबसूरती देखते हैं। तो फ्रेंड, ये था वाटरफॉल, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सी साइड एरिया पे और पार्किंग एरिया पे, तो मूव करते हैं यहाँ पे। ये है पार्क एरिया और सी साइड एरिया, बिल्कुल वाटरफॉल के सामने ही है ये। और ये मेरे राइट साइड पे सी साइड है और यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती हैं। और ये सिटिंग एरिया है जो अभी आपने पीछे वीडियो में देखा होगा, सिटिंग एरिया भी है यहाँ पे और वॉशरूम वगैरह भी है यहाँ पे, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। आप बेफिक्र होकर के आएँ, इंजॉय करें और आधी रात तक आप बैठे, कोई मुश्किल नहीं है। फ्रेंड्स, देखा आपने, और यहाँ पे हर एक चीज़ आपको नेचुरल मिलेगी, बिल्कुल कुदरती। और जो मैंने सी दिखाया आपको वो माउंटेन के बीच में सी है, ज़बरदस्त अमेजिंग है। और तो फ्रेंड्स, देखा आपने, खुरफक्कान एक्चुअली
मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया मैंने। और मुझे यहाँ पे जल्दी आना था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मैं लेट आया हूँ यहाँ पे। और मेरा पूरा फुल मूड था कि मैं आपको ये पूरी जगह दिखाऊँ, सब चीज़ें बताऊँ, सारी चीज़ें। मेरे बैक साइड वाली जो एरिया है यहाँ पे माउंटेन के साथ और सी है, बहुत ही अमेजिंग। मुझे अब मैं क्या बताऊँ आपको, इसके बहुत ही लवली प्लेस है, आप विजिट करें, आपको ही बहुत मज़ा आने वाला है। और नई चीज़ हर कोई चाहता है कि मैं सबसे पहले देखूं, तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है। और तफसीली मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा यहाँ पे लेकर आऊँगा, यहाँ पे फंक्शन होने वाला है तो वो साथ ही आपको दिखाऊँगा, और इस जगह को फिर से मैं आपको दिखाऊँगा। तो जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और नई वीडियो के साथ नई जगह पर मिलूँगा इंशाल्लाह। सी यू एंड बाय।